हेलो फ्रेंड्स, आर्टेक में वेलकम। आज देवी माता का कालर करते, नवरात्रि आ गया और टाइम नहीं है, तो बैठ जाइए फ्रेंड, थोड़ा सा कलर लेके एक्रेलिक बेस कलर करेंगे और फटाफट बैठ जाइए। मूर्ति को पहले अच्छा से साफ कर लीजिए ब्रश से, कोई धूल मिट्टी रह ना जाए, डस्ट रह ना जाए, ठीक है, उसको अच्छा से इसको साफ कर लीजिए, ठीक है। और फटाफट मैं एक काम करता हूँ, एक्रेलिक बेस जो वाइट कलर है इसको प्राइमर जैसा, मतलब बेस कलर का हिसाब से इसको लगा लेते हैं, ठीक है। इसको पतला करके, ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए, तो ये डिटेलिंग ख़त्म हो जाएगा। तो हल्का सा पानी से इसको पतला करके इसको लगाइए, ठीक है। पहले मोटा ब्रश से इसको लगा लेते मैक्सिमम काम, उसके बाद छोटा ब्रश से अंदर का तरफ जो डेप्थ है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैक्सिमम सफ़ेद हो गया, ध्यान से देख लीजिए कोई जगह छूट ना जाए, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं, तो फेस को थोड़ा यहाँ पे ऑरेंज टाइप का लग रहा है, लेकिन आप एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा वाइट मिला के, मतलब पिंकीज भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा रेडिश टाइप का लाइट टोन बना के लगाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्रेलिक बेस कलर यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड, अपना मतलब मूर्ति बनाने जो लोग बनाते हैं वो लोग भी आर्ट कलर, आजकल बहुत अच्छा अच्छा कलर मिल गया, तो ये सब कलर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने पूरा के पूरा एक्रेलिक बेस कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो फेस में जो मैंने कलर लगाया था ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा लाइट टोन कर दिया मैंने, और वही सेम कलर हाथ में भी लगा रहा, मतलब बॉडी जो एक्सपोज रहेगा तो ये पार्ट में सेम कलर लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड मैं पिछले वाला जो वीडियो, मतलब इसका क्ले मेकिंग वीडियो जो है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये कलर करने का पहले आप पहले बना लीजिए, जो जो फ्रेंड अभी तक पिछले वाला वीडियो मेरा देखा नहीं आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैंने साड़ी में थोड़ा सा रेडिश स्टोन, मतलब जो इसमें योली स्टोन था इसमें और भी थोड़ा रेड डाल के, मतलब ज़्यादा कलर, मतलब ब्राइट कलर, डायरेक्ट कलर मैंने यूज नहीं किया यहाँ पे, सब जगह में मतलब थोड़ा सा वाइट मिला के, मतलब ओपेक जो कलर बोलते उस टाइप का कलर मिला के एक सॉफ्टनेस, मतलब जितना भी कलर मैं यूज़ करूँगा सब थोड़ा सा वाइट मिला के कर रहा हूँ, तो पूरा एक मैचिंग टोन नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइज, मतलब बटल ग्रीन भी नहीं है, थोड़ा सा इस टाइप का कलर वाइट मिला के बना लिया, और उसको टॉप जो कॉस्ट्यूम है उसमें यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठाक लग रहा है फ्रेंड, आप लोग देखिए ऐसा सेम कलर करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपना हिसाब से कलर चूज़ कर लीजिए, अपना हिसाब से उसको लगाना कोशिश कीजिए। मैं जिस हिसाब से लगा रहा हूँ, मेरा
कलर पैलेट जिस हिसाब से बना लिया उस हिसाब से मैंने रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, टाइगर को भी थोड़ा सा रियलिस्टिक जिस हिसाब से कलर होता है यहाँ पे लगा दिया। बालों को मैंने डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं किया, ठीक है, फुसियन ब्लू के साथ रेड मिला के मैंने एक डार्क टोन बना लिया। ठीक है, डार्क कलर बना लिया, क्योंकि डायरेक्ट ब्लैक यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाता है, तो ये सॉफ्टनेस रखने के लिए मैंने थोड़ा सा ये कलर यूज़ किया। ठीक है, टाइगर का जो ये है ब्लैक लाइन थोड़ा सा लगा दीजिए। ठीक है, फ्रेंड मेरा चैनल जो नया नया फ्रेंड है, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोगों को मेरे हिसाब से लगता है अच्छा लगेगा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा हटके कुछ नया कुछ बनाने का, आप लोगों को दिखाने का। तो प्लीज़ 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 और फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, अभी ये देखिए ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी में मैंने पहले डायरेक्ट यू मतलब गोल्ड कलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बेस एक कलर बना के यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ब्राइटनेस और गोल्ड का जो मतलब फील है ये अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, तो पहले एक बेस कलर आप लोग बना लीजिए और लगा दीजिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए। अभी फ़िलहाल हाथ में थोड़ा डार्क रेड स्टोन लगाते हैं। फ्रेंड यहाँ पे मैंने अभी जो वेपन्स हैं ये मैंने अभी बाद में लगाएंगे, इसको मिट्टी में नहीं बनाया इसीलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया। ठीक है, तो लिप को थोड़ा सा वही सेम टोन, थोड़ा सा हल्का सा रेडी स्टोन लिप को। फ्रेंड ये बहुत ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा। आँखों को अभी ऐसा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा कोशिश करते इसको दोबारा मिटा के कुछ करें, देखते हैं। आँखों को जब बनाएंगे तब क्या करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा हल्का सा कलर मतलब ज़्यादा डायरेक्ट ब्लैक मत लेके, थोड़ा लाइट टोन कुछ कलर लेके इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, अभी गोल्ड को चढ़ा लेते क्योंकि बेस कलर सूख गया। ठीक है, ये भी एक्रेलिक गोल्ड है, मैक्सिमम ज्वेलरीज कपड़ा का जो एंड पॉइंट है, एंड लाइन है, उसमें भी ठीक है सब में गोल्ड कलर डाल देते हैं। जैसा पिछले वाला कोई एक गणेश को मैंने कलर किया था, उसमें मैंने थोड़ा दूसरे टाइप का मतलब वाइट एंड गोल्डन में उसी कॉम्बिनेशन में छोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा कोशिश किया मल्टीपल कलर करने का, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कलर इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, पूरा के पूरा एक सॉफ्ट लुक नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या होता है एक मीठापन जो मिट्टी में था वो भी यहाँ पे फील होगा। ठीक है, तो आप लोग उसी हिसाब से कोशिश कीजिए, कलर चूजिंग भी उसी हिसाब से कीजिए तो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर डालिए और आप लोग भी बना लीजिए। आप लोग जो बनाया फ्रेंड इसको कलर भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।